नमस्कार दोस्तों, भारत में चलती हुई ट्रेन में पैसे चुरा लिए। यह ऐसी रोबरी है जिनमें सबसे ज्यादा पैसे चुराए गए थे। यहाँ तक कि पूरा आरबीआई हिल चुका था। विदेश की एजेंसियों को भी साथ लेना पड़ा इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि इतनी बड़ी रोबरी कैसे हो गई। यह बात 8 अगस्त 2016 की है। मात्र 45 मिनट के अंदर 7 चोरों ने 5 करोड़ रुपए चुरा लिए। दरअसल आधी रात को चेन्नई सेलम अपने रास्ते पर मंजिल की ओर बढ़ते हुए जा रही थी। रेलगाड़ी जैसे जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, उस रेलगाड़ी के अंदर बैठे 7 चोर अपने उस मौके का इंतजार कर रहे थे। करीब 9 बजे सेलम चेन्नई एक्सप्रेस सेलम से रवाना हुई थी और अपने रास्ते से होते हुए चेन्नई की तरफ जा रही थी। 4 लोग उस ट्रेन की छत पर बैठे थे। करीब 150 किलोमीटर बाद विध्याचल रेलवे स्टेशन पर वहां पर रुकी थी। उस रेलगाड़ी के अंदर यात्रियों की कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली थी। रात का समय होने पर सभी यात्री विश्राम करने के लिए सो चुके थे। जिस समय रेलगाड़ी विध्याचल रेलवे स्टेशन के पास थी, उस समय रेलगाड़ी का इंजन चेंज किया गया था। बस उसी समय ट्रेन के अंदर 345 करोड़ रुपए चुराने का सही समय था। जैसे ही ट्रेन का इंजन चेंज किया गया तो पैसों से भरा हुआ डिब्बा रेलगाड़ी के पीछे ही पीछे जाकर लग चुका था। इस डिब्बे के अंदर आरबीआई ने 345 करोड़ रुपए रखे हुए थे। मोहन पादरी और उसके 4 अन्य साथी रेलगाड़ी की छत के ऊपर बैठे थे। इन सब के पास सिर्फ मात्र 45 मिनट ही थे, क्योंकि 45 मिनट बाद रेलगाड़ी चेल्लासम्बम स्टेडियम के पास पहुंचने वाली थी। जैसे ही ट्रेन आगे चलना स्टार्ट करती है तो मोहन पादरी अपने 4 दोस्तों के साथ बैटरी वाले कटर को लेकर ट्रेन वाली छत को काटना स्टार्ट कर देता है। उस ट्रेन की छत से कटे हुए हिस्से में एक व्यक्ति नीचे जाता है और उसमें पड़े बॉक्स के अंदर, उस डब्बे के अंदर करीब 226 बॉक्स पड़े हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने 4 बॉक्स के ताले तोड़े। उस बॉक्स के अंदर 100, 500 व 1000 के नोट बरामद किए गए। मोहन का साथी मात्र 10 मिनट के अंदर उन चारों बॉक्स से 5 करोड़ रुपए निकालकर ऊपर की ओर आ जाता है। अगला स्टेशन आने से पहले उनके पास अभी भी 25 मिनट पहले से पड़े हुए थे। मोहन अपने साथियों को फोन करके ट्रेन की पटरियों पर अपने साथियों को बुलाता है और वहां से वे अपने पैसे फेंकना स्टार्ट कर देता है। वहां से 3 साथी अपने इन पैसों को छुपाकर किसी अन्य जगह सेफ जगह चले जाते हैं। जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन के पास पहुंचती है तो रेलगाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसी के साथ साथ वे नीचे उतर जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। सिर्फ 40 मिनट के अंदर 7 चोरों ने भारत की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दे दिया था। जब सिक्योरिटी गार्ड डब्बे के अंदर जाता है तो वह दंग रह जाता है। आरबीआई वे स्टेशन पुलिस ने वहां पर अच्छे से तलाशी ली। इसी के साथ साथ आरबीआई ने इन पैसों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने के लिए 18 सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए थे। फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था और ना ही कुछ सबूत मिले थे। यह बात पूरी आग की तरह देश में फैल गई थी। सबूत ना मिलने के कारण यह सारा केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने नासा की हेल्प लेते हुए सैटेलाइट माध्यम से तस्वीरें भी मंगवाई थी सेलम व चेन्नई के बीच में। करीब लोकेशन का अच्छे से पता करकर सीबीआई ने 2 लाख फोन कॉलों को ट्रैप किया। सीबीआई ने काफी कुछ हजारों लोगों में से उन लोगों को निकाला था। सीबीआई के संदिग्ध नंबरों में से एक नंबर मध्य प्रदेश का था। हजारों लोगों से पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने 730 दिन बाद इस केस का खुलासा किया था। मोहन सिंह के 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन के 4 साथी तमिलनाडु के थे, वहीं 3 साथी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। रेलगाड़ी को लूटने के बाद लगातार मोहन उसी रेलगाड़ी के अंदर 8 दिन सफर करता रहा। इसके 2 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने पुराने नोट सारे बंद कर दिए गए थे। इतनी बड़ी डकैती होने के बाद भी उनके लिए उनका पैसा मिट्टी समान ही रहा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यह चैनल आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारी काफी हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।